अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ तारिक अनवर नदवी। आज मैं हाजिर हुआ हूं इम्पेज सीरीज का सबक नंबर 19 के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट मेनू के स्टाइल शीट कमांड के बारे में। स्टाइल शीट कमांड ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। जिसने इस कमांड को सीख लिया गोया के उसने इम्पेज पे गिरफ्त हासिल कर लिया। उसके लिए कोई भी किताब वगैरह बहुत कम वक्त में तैयार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका फ़ायदा यह है कि जब हम किताब वगैरह तैयार करते हैं तो हर एक हेडिंग की सेटिंग करनी पड़ती है, पैराग्राफ सेट करना पड़ता है। इसी तरह कहीं पे अरबी वगैरह बीच में कुछ लिखना हो तो उसके लिए सेटिंग करनी पड़ती है। तो इसका फ़ायदा यह है कि ये तमाम सेटिंग्स, हेडिंग का फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट साइज कौन सा होना चाहिए, स्पेस कितनी होनी चाहिए, इसी तरीके से पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन का कितना स्पेस होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, इसी तरीके से कहीं हाशिया डालना हो तो हाशिया का फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, किस फॉन्ट में होना चाहिए, तो ये तमाम सेटिंग किसी एक बटन में यही स्टाइल शीट कमांड के जरिए से सेटअप किया जाता है। जैसे आप कंट्रोल और शिफ्ट के जरिए से उस बटन को दबाएंगे तो ये तमाम सेटिंग खुद ब खुद ले लेगा। आपको दोबारा रिबन बार में जाकर के फॉन्ट साइज, फॉन्ट और स्पेस वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए, हम इसमें प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसके लिए फॉन्ट का कौन सा साइज होना चाहिए। मसलन हेडिंग के लिए फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए, पैराग्राफ के लिए जो हमारा असल मजमून है उसका साइज कितना होना चाहिए, इसी तरीके से हाशिया वगैरह की साइज कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फॉन्ट साइज को समझ लेते हैं। ये देखिए, हेडिंग के लिए जो फॉन्ट साइज होता है वो 24 से 30 तक का होता है। इसी के दरमियान का जो भी फॉन्ट साइज आप सेटअप करना चाहे सेट कर सकते हैं, अपने वो किताब के साइज के एतबार से और अपने मजामीन के फॉन्ट के साइज के एतबार से होता है। 24 से 30 के दरमियान में हेडिंग का, असल हेडिंग का साइज होता है। इसी तरीके से ज़ैली उन्वान जो होता है, सब हेडिंग उसके बाद का उसका उसकी साइज है 20 से 24 के दरमियान का। यानी हेडिंग के साइज से 4 या 5 पॉइंट हम उससे कम रखते हैं ज़ैली उन्वान का साइज। उसके बाद उर्दू या अरबी का जो मैटर का साइज होता है, जो असल मजमून होता है, उसकी साइज 16 से 18 के दरमियान में होता है। यानी हेडिंग से 7 या 8 पॉइंट कम। यानी आम तौर से जो किताबें तैयार की जाती है उसका फॉन्ट साइज 16, 17 या 18 इसी के दरमियान में होता है। उसके बाद है हाशिया। हाशिया का फॉन्ट साइज 11 से 13 के दरमियान में होता है। यानी असल मजमून का जो हमारा फॉन्ट साइज है उससे 5 या 6 पॉइंट कम। तो ये हमारा फॉन्ट साइज का सेटिंग है। आपने देख लिया कि हेडिंग, उनवान और ज़ैली उनवान, हाशिया वगैरह का फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टाइल शीट कमांड में कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा हेडिंग का फॉन्ट साइज है 24, उसके बाद सब हेडिंग यानी ज़ैली उनवान है जिसका फॉन्ट साइज है 20। तो ये सब सेट करने के लिए हम एक बटन में सेट कर देंगे कि हमको कहीं भी हेडिंग डालना हो तो जैसे हम उस बटन को दबाएंगे तो हमारा ये फॉन्ट साइज खुद ब खुद ले लेगा। फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट साइज कौन सा होना चाहिए और स्पेस कितनी होनी चाहिए, वो सब हर बार यहाँ पे आकर के सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से बीच में जो हम एक कोट नकल किए हैं, जो अकवाल है, इसकी भी सेटिंग स्टाइल शीट में एक बटन में कर सकते हैं। जैसे आप उस बटन को दबाएंगे खुद ब खुद वो ये तमाम सेटिंग वहाँ पे ले लेगा। यहाँ से इंडेंट में जाके सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे दाएं साइड से कितना स्पेस होना चाहिए, बाएं साइड से कितना होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए फॉन्ट साइज, ये सब दोबारा सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तमाम सेटिंग एक एक बटन में आसानी के साथ आप स्टाइल शीट कमांड के जरिए से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग का सेटअप करके दिखाते हैं। फॉर्मेट मेनू में जाके स्टाइल शीट पर जाएंगे जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+T। जिस तरीके से आप फॉर्मेट मेनू में आकर के स्टाइल शीट कमांड ओपन करते हैं,
इसी तरीके से डायरेक्ट कीबोर्ड के जरिए से कंट्रोल टी के जरिए से आप स्टाइल शीट कमांड ओपन कर सकते हैं। तो चलिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का ये एक बॉक्स हमारे सामने खुल करके आया, जिसमें पहले से देखिए हम पैराग्राफ के लिए एक सेटिंग किए हुए हैं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और नए सिरे से हर एक की सेटिंग करके आप दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग के लिए स्टाइल शीट बनाना चाहते हैं, तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा स्टाइल शीट नेम, यानी हेडिंग के लिए आप इसका क्या नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आया कि आप हेडिंग के लिए कौन सा बटन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो भी स्टाइल शीट बनाना चाहते हैं वही वर्ड उसमें इस्तेमाल कीजिए, वही अल्फाबेट इस्तेमाल कीजिए ताकि आसानी के साथ याद रह सके। जैसे हेडिंग के लिए हम एच बटन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आसानी के साथ याद रहे कि हम जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच दबाएंगे तो ये हेडिंग की तमाम सेटिंग्स खुद बखुद ले लेगा। तो जैसे हम एच की को इसमें सेट कर दिए हैं, उसके बाद ये हमारा नाम है हेडिंग इस स्टाइल शीट का, ये नॉर्मल पे छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम कैरेक्टर का सेटअप करेंगे। जैसे कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने ये खुल करके आ गया है। अगर आप इस तमाम सेटिंग के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारे सबक नंबर 19 कैरेक्टर कमांड के बारे में देखकर आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसमें हम शॉर्टली सिर्फ जो हेडिंग के लिए ज़रूरत हम उसको करके दिखाएंगे। तो जैसे हेडिंग का हमारा फॉन्ट साइज होना चाहिए 24, तो हम यहाँ से 24 कर देते हैं। नूरी नस्तालिक हमारा फॉन्ट सेटअप है तो वो पहले ही से है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद हमारा पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ में आकर के हम सेट करेंगे, जैसे कि ये हमारा हेडिंग है तो इसको हमें सेंटर में रखना है, तो यहाँ से अलाइनमेंट में आकर के हम इसको सेंटर कर देते हैं। ये सब के बारे में अगर आप बिल्कुल डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो आप हमारे सबक नंबर 20 पैराग्राफ कमांड और सबक नंबर 7 टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार देख सकते हैं, ताकि ये तमाम सेटिंग को आसानी के साथ आप समझ पाएं। यहाँ पे हम बिल्कुल शॉर्ट करके जो हमें इसमें ज़रूरत है सिर्फ उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम हेडिंग के लिए सेंटर कर दिए हैं, अब ओके कर देते हैं, फिर यहाँ से ओके कर देते हैं और डन कर देते हैं। तो ये देखिए हेडिंग की हमारी सेटिंग हो चुकी है। जैसे अब यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया, जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट एच दबाएंगे तो हेडिंग की हमारी तमाम सेटिंग आ जाएगी। ये देखिए कि हेडिंग के लिए हम फॉन्ट साइज सेट किए थे 24, तो 24 आ गया, और हम यहाँ पे सेंटर में सेट किए थे, सेंटर आ गया। जैसे अब हम टाइप करेंगे जो हमारा फॉन्ट साइज था वो हमारा आ जाएगा, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जिंदगी तारीख के आईने में। तो ये हमारा हेडिंग की सेटिंग हो गई। तो इस तरीके से आप तमाम सेटिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पैराग्राफ की सेटिंग के लिए एक स्टाइल शीट बना करके दिखाते हैं। फिर से हम इसमें जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और स्टाइल शीट, तो चलिए हम शॉर्टकट की के जरिए से इसको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। जैसे कंट्रोल टी दबाएंगे, ये हमारे सामने खुल करके आ गया। फिर हम न्यू पे जाएंगे, अब हम यहाँ पे पैराग्राफ के लिए एक स्टाइल शीट बनाना चाहते हैं कि पैराग्राफ का हमारा जस्टिफाइड होना चाहिए, फर्स्ट लाइन में कुछ स्पेस होना चाहिए, जैसे 10 mm या 12 mm जितना भी स्पेस देना चाहते हैं, फॉन्ट साइज 16, 17 या 18 जो भी आप सेट करना चाहे वो होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम एक स्टाइल शीट बना करके दिखाते हैं। जैसे पैराग्राफ के लिए तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं पैराग्राफ और ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ के लिए हम पी बटन का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आसानी के साथ हमें याद रह सके, तो पी कर दिए हैं। उसके बाद कैरेक्टर पे जा करके हम यहाँ से फॉन्ट साइज चूज कर लेते हैं 17, क्योंकि आमतौर से जो किताब तैयार की जाती 16, 17 या 18 उनका फॉन्ट साइज होता है, तो हम यहाँ से 17 चूज कर लिए हैं और हमारा फॉन्ट उर्दू नूरी नस्तालिक ही रहेगा, तो यहाँ से हम ऐसे ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ में चलते हैं, पैराग्राफ में यहाँ से हम जस्टिफाइड को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ में हमारा दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सेटअप होना चाहिए ताकि दोबारा हमको सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ से हम जस्टिफाइड को सिलेक्ट कर लेते हैं और पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में हम 10 mm या 12 mm स्पेस देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको 10 mm कर देते हैं।
जैसा कि मैं पैराग्राफ कमांड लाइन इंडेंट के बारे में बता चुका हूँ, हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में कुछ स्पेस दिया जाता है, तो यहाँ से हम 10 mm कर देते हैं। और यहाँ से लाइन हाइट है, यानी ये दोनों लाइन के दरमियान कितना स्पेस रखना चाहते हैं आप चाहें तो इसको भी सेट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट किया हुआ वैसे ही रहने दें। अगर आप सेट करना चाहें तो जो हमारा फॉन्ट साइज होता है उससे 7 या 8 पॉइंट बढ़ा करके लाइन स्पेस दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं, जैसे फॉन्ट साइज हमारा 17 है तो हम यहाँ पे लाइन स्पेस 25 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। फिर यहाँ से भी ओके कर देते हैं और यहाँ से डन कर देते हैं। अब जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे हमारा पैराग्राफ सेटअप आ जाएगा। जैसे अब यहाँ से हम टाइप कर देते हैं आज मौलाना आज़ाद के पेश करदा खदशात को सच होता हुआ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। अब जैसे देखिए हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ सेटअप हो गया। ये देखिए कि फर्स्ट लाइन में हमारा 10 mm स्पेस आ गया और दोनों तरफ ये जस्टिफाइड का सेटअप हो गया। अब दोबारा हमको रिबन बार में जाकर के सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी हम कुछ भी टाइप करते रहेंगे, अरबी भी टाइप करते रहेंगे, जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे तो ये पैराग्राफ का हमारा सारा कमांड अप्लाई हो जाएगा और हम टाइप करना शुरू कर देंगे तो ये तमाम सेटअप खुद ब खुद ले लेगा। अब एक और स्टाइल शीट हम हाशिए के लिए बना करके आपको दिखाते हैं। तो फिर अब चलते हैं स्टाइल शीट में और यहाँ से हम न्यू पे जाते हैं और यहाँ से हाशिया के लिए जिसे फुट नोट होता है तो हम यहाँ से नाम दे देते हैं फुट नोट। और फिर यहाँ से हाशिए के लिए फुट नोट में हम F का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी फुट नोट का फर्स्ट वर्ड F, ताकि हमको आसानी के साथ याद रहे। और फिर यहाँ से हम कैरेक्टर में जाते हैं और यहाँ से फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 12 ही रहने देते हैं, क्योंकि हाशिए के लिए 11 से 13, यानी जो हमारा असल मजमून का जो फॉन्ट साइज होता है उससे 4 या 5 पॉइंट कम, तो हमारा असल मजमून है 17, तो यहाँ से 5 पॉइंट कम हम फुट नोट का हाशिए का फॉन्ट साइज कर देते हैं 12 और हमारा फॉन्ट नूरी नस्तालिक ही रहेगा तो हम ओके कर देते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ में चलते हैं और यहाँ से हम इसको जस्टिफाइड सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फुटनोट भी हमारा दोनों तरफ बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर एक लाइन से ज़्यादा हमारा फुटनोट आ रहा है तो वहाँ पे अच्छी सेटिंग दिखाए दे, दोनों तरफ हमारा बराबर रहे। और लाइन हाइट आप सेटअप करना चाहते हैं तो सेट कर लें, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटअप किया हुआ उसको वैसे ही रहने दें और इसमें यह सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम ओके कर देते हैं, फिर ओके करके और डन कर देते हैं। अब जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और एफ दबाएंगे हाशिया के सेटअप हमारा आ जाएगा। जैसा कि हम इस कोट का इस अकवाल का हवाला देना चाहते हैं, जहाने अबुल कलाम आज़ाद सफ़ा नंबर 198, ये हमारा हाशिया के सेटअप हो गया। ये देखिए फॉन्ट साइज खुद ब खुद ले लिया 12, जो कि हमारा असल मजमून है उससे 5 पॉइंट कम है। तो इस तरीके का आप तमाम स्टाइल शीट आसानी के साथ सेटअप कर सकते हैं, जो कि टाइप करने में, किताब वगैरह तैयार करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। कि हमको कुछ भी मजमून टाइप करना हो तो उसके लिए फॉन्ट साइज अलग से फिर से सेट करने की या फॉन्ट वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से चलिए अब हम अरबी के लिए एक और स्टाइल शीट तैयार करके दिखाते हैं कि बीच बीच में हमें कहीं कुरान की आयत या हदीस वगैरह टाइप करना हो तो उसके लिए हमें अरबी की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम एक और स्टाइल शीट तैयार करके दिखाते हैं। फिर से हम स्टाइल शीट में आ गए, न्यू पे आते हैं और यहाँ से हम अरबी के लिए डाल देते हैं अरबी और ओके करते हैं। तो यहाँ से हम अरबी के लिए ए बटन का इस्तेमाल कर लेते ताकि आसानी के साथ याद रहे। और फिर यहाँ से हम कैरेक्टर कमांड में चलते हैं। अब यहाँ से हम फॉन्ट साइज फिर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा असल मजमून का फॉन्ट साइज है 17, तो अरबी के लिए भी हम 17 रखते हैं। और फॉन्ट यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। अरबी के लिए आमतौर से ट्रेड अरबिक बोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ से हम ट्रेड अरबिक बोल्ड का इंतखाब कर लेते हैं। और
ओके कर देते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ में चलते हैं, यहाँ से इसको भी हम जस्टिफाइड सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अरबी का भी हमारा दोनों तरफ बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और फर्स्ट लाइन में हम उसमें भी स्पेस देना चाहते हैं तो 10 mm यहाँ से हम स्पेस दे देते हैं फर्स्ट लाइन का। और ये दोनों तरफ जो हमारा बिगिनिंग और एंड लाइन का है इसमें हम ऐसे ही रहने देते हैं, हमें कुछ भी स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर लाइन स्पेस आप देना चाहते हैं तो दें, वरना इसको जो बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ वैसे ही इसको रहने दें। अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ से ओके करते हैं, फिर ओके करके डन करते हैं। ये देखिए जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और ए दबाएंगे ये अरबी की सेटिंग हमारी आ गई। अब हम यहाँ से आसानी के साथ देखिए अरबी टाइप कर सकते हैं। ये आसानी के साथ आप पूरा सेटअप कर सकते हैं। अब जैसे आप इसको टाइप करते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा पैराग्राफ सेट हो गया। पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन 10 mm 10 mm स्पेस आ गया और दोनों तरफ हमारा जस्टिफाइड सेटअप हो गया। और फॉन्ट अरबी का है, और ये फॉन्ट अरबी का है। फॉन्ट साइज यहाँ पे देखिए 17 चूज किए थे, 17 आ गया है। ये लाइन स्पेस ज़्यादा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट किया हुआ था वही है, क्योंकि वहाँ पे हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दिए थे। अगर आप सेटअप करना चाहें तो आसानी के साथ जो भी आप इसमें सेटिंग किए हैं उसको फिर आसानी के साथ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम ये देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ मॉडिफाई का, इसमें से कोई भी सेटिंग को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे उनका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, या फॉन्ट ही चेंज करना चाहते हैं, या लाइन स्पेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो फिर से आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे अरबिक में हम ये लाइन स्पेस बाय डिफॉल्ट जो इसमें सेट किया हुआ था वही छोड़ दिया था, फिर से हम उसको सेटअप करना चाहते हैं तो हम इसको मॉडिफाई में जाएंगे और पैराग्राफ में जाएंगे। यहाँ से लाइन स्पेस हम कर देते हैं 25, क्योंकि फॉन्ट साइज हमारा 17 है, तो इससे हम 8 पॉइंट बढ़ा करके लाइन स्पेस कर देते हैं। और हम ओके करते हैं, फिर ओके करते हैं और डन करते हैं, तो ये देखिए हमारा लाइन स्पेस खुद बहुत कम हो गया है। इस तरीके से आप हर एक के लिए आसानी के साथ एक स्टाइल शीट तैयार कर सकते हैं, ताकि किताब वगैरह तैयार करना बहुत कम वक्त में आसान हो जाएगा। जैसे कहीं पे भी हमको हाशिया डालना हो तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और F दबाएंगे, क्योंकि F बटन का हम हाशिए के लिए इस्तेमाल किए थे, तो कंट्रोल शिफ्ट F दबाएंगे तो हाशिया की तमाम सेटिंग वो खुद बखुद ले लेगा। हाशिया का फॉन्ट साइज कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट कितनी होनी चाहिए, स्पेस कितनी होनी चाहिए, वो खुद बखुद आ जाएगा। इसी तरीके से हेडिंग कहीं भी डालना हो तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट H दबाएंगे तो हेडिंग की तमाम सेटिंग खुद बखुद आ जाएगा, वहाँ पर हर जगह सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से सब हेडिंग डालना हो, जैसे ज़ैली उनवान के लिए हम जो बटन का इस्तेमाल किए हैं एस का, या ज़ैली उनवान के लिए, तो जो भी हम सेटअप किए हैं जैसे उस बटन को दबाएंगे तो वो तमाम सेटिंग खुद बखुद ले लेगा, हर बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़ायदा है स्टाइल शीट का। जो भी इसको अच्छी तरीके से समझ लिया, याद कर लिया, सीख लिया, उसके लिए कोई भी किताब वगैरह बहुत कम वक्त में तैयार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।